लेकिन अब TSM Entry आई थिंक दे आर टेकिंग हायर रोड यहां पर फाइट्स के लिए। नियो आगे की तरफ को जा रहे हैं, स्पॉट किया जा चुका है बिगेट्रॉन के प्लेस के द्वारा, उनको एंड बगी की आवाज भी आ गई होगी। लेकिन TSM Entry चार्ज कर रही है यहां पर, लेकिन जॉर्डन डाउन हो जाते हैं लक्सी के द्वारा। पहला नॉक यहां पर देखने को मिलता है बिगेट्रॉन के खाते से। नियो की भी हेल्थ थोड़ी सी कम है, बट बिगेट्रॉन जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। लक्सी ने वहां पर Z-God को भी डाउन कर दिया, नियो की हेल्थ कम है, स्पॉटिंग हिम, टेकिंग हिम डाउन एज वेल आउट देयर। तीन प्लेयर्स डाउन है लक्सी के द्वारा, क्लच गॉड अकेले बचे। विल ही बी द क्लच गॉड इन दिस वन? सक्सी भी क्लोज आ चुके हैं, सक्सी के लिए मुश्किल हो सकती है, बट क्लच गॉड इज आउट देयर। TSM Entity gets eliminated by Bigatron. Oh my goodness, Ocean, ये क्या देख लिया हमने? ये यहाँ पे ये वाली फाइट निकालना चाहेगी, बिकॉज दो प्लेयर से मात्र बचे, बट ये दो मात्र प्लेयर अपनी जो प्लेयर्स थे उनका यहाँ पे रिवेंज निकालना चाहेंगे। एक यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेक खूबी सा नॉक डाउन करे, दूसरा प्लेयर भी नॉक उसी के चलते, दिस इज टू वर्सेस टू। बट यहाँ पे Z-God को नॉकडाउन करेगा, पीछे से ट्रेड आया था, दो प्लेयर अभी थे वहाँ पे, बट क्लच गॉड ये प्लेयर एक सर्वाइवल जरूर है। बट यहाँ पे फुटस्टेप आ चुके हैं जरूर, यहाँ पे फ्री फायर के चलते यहाँ पे यू हाई को अच्छा खासा डैमेज उन्होंने दे दिया, वापस एक फ्री फायर डालेंगे यहाँ पे। S12K का यहाँ पे मेटा दिखाते हुए क्लच गॉड रीलोड में जाएगी उनकी गन, बट ऊपर से अभी भी ट्राई करी शॉर्ट गन की फाइट यहाँ पे चलती हुई, देखते किसकी बुलेट यहाँ पे पहले कनेक्ट होगी। एंड वो 12 गॉज जो एक एमोनेशन होती है यहाँ पे शॉर्ट गन की, वो अगर ज्यादा क्लोज रहता तो ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट यहाँ पे अच्छा खासा डिस्टेंस उसके चलते यहाँ पे क्लच गॉड थोड़ा सा यू नो, अब उनको टाइम देना नहीं चाहिए, बिकॉज उनको पता है कि चारों प्लेयर रिवाइव हो गए तो दिक्कत आता है, बट उनके भी प्लेयर को वो रिवाइव दे सकते हैं। अब वो 2 vs 4 वापस बना सकते हैं, यहाँ पे क्लच गॉड ने आई शॉट को एंड ये जो फाइट थी Z-God ने यहाँ पे स्टार्टिंग में ओपनिंग निकाली, हार नहीं मानी।